इस बीच अपनी बात आप कंटिन्यू कीजिएगा एक माफी के साथ, क्योंकि देखिए तस्वीरें भी आ रही हैं और आज का दिन तस्वीरों का ही दिन है। वहां से जो तस्वीरें आ रही हैं वो अपने आप में बहुत कुछ कह देती हैं। अगर आप शांत होकर भी इन केवल तस्वीरों को देखते हैं तो भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों के बीच में गर्मजोशी कितनी रहेगी। जो सीओ से मुलाकात का सिलसिला है वो चल रहा है। जो बाइडेन के साथ मुलाकात का सिलसिला हमने देखा, कमला हैरिस के साथ मुलाकात का सिलसिला देखा, थोड़ी देर में भारतीय समुदाय को प्रधानमंत्री संबोधित भी करने वाले हैं। और इस बीच ये मुलाकातों का दौर और बयानों का दौर भी सही जी लगातार चल रहा है, क्योंकि हर कोई या तो इसको ऐतिहासिक बता रहा है या इसको बता रहा है बहुत महत्वपूर्ण ये दौरा रहा, हिट रहा ये दौरा, यानी हर जो बयान सामने आ रहे हैं वो भी ये दिखा रहे हैं कि बहुत पॉजिटिव साइन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इस दौरे के बाद रखा गया है। और बहुत जरूरी है कि आप वो इमेज बिल्ड कीजिए, मुझे लगता है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं जैसे शर्मा जी कह रहे हैं, शर्मा जी आपने कहा कि एक एक इमेज जो हम बना रहे हैं, जैसे हम किस तरीके से मिल रहे हैं, क्या मेन्यू में है, वहां किस तरीके का हमारा प्रेजेंटेशन है, इसी प्रेजेंटेशन पर तो विपक्ष देखिए सवाल उठा देता है। वो ये कहता है कि देखिए ये सब पैकेजिंग है, ये सब इवेंट मैनेजिंग है, अमेज़न के सीईओ है इस वक्त ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, एंडी जैसी है? जी एंडी जी। तो ये मुलाकातों का देखिए दौर चल रहा है और मुझे लगता है कि जब एलन मस्क ये कहते हैं कि हम भारत में निवेश कर रहे हैं तो ऐसे सीईओ के साथ मिलना वो और ज्यादा एक आपकी चीजों को प्लस कर देता है, अगर मैं गलत नहीं हूं शर्मा जी। देखिए पैकेजिंग किसी भी देश के सुपर पावर बनने का रास्ता भी, आज अमेरिका अगर सुपर पावर है तो अमेरिका का खाना, अमेरिका का चाल चलन, अमेरिका की यूनिवर्सिटी में पढ़ना, अमेरिका का फैशन, सब कुछ हमको पसंद है। इसी तरह से अगर भारत को राइज करना है तो भारत में तो अमेरिका का खाना कुछ भी नहीं है, इटली का, अमेरिका का, फ्रांस का खाना जो है भारत के खाने, भारत के खाने में जो वैरायटी है, भारत के परिधान में जो वैरायटी है, भारत के यहाँ जो विरासत है अपनी, उसका क्या मुकाबला है? केवल उसकी ब्रांडिंग की जरूरत है। और होता यह है, एक बार अमिताभ बच्चन ने शायद अफ्रीका में ये कहा था कि जब कोई व्यक्ति बड़ा बनता है या जब कोई देश या कोई समाज बड़ा बनता है तो उससे जुड़ी हर चीज फैशन बन जाती है। तो जिस जब जब जैसे जैसे देश का राइज होगा, जैसे जैसे भारत और भारतीयता का सम्मान बनेगा, वैसे वैसे भारत का फैशन छा जाएगा, भारत का खाना छा जाएगा। अब यहाँ आप देखें, यहाँ ब्रिटेन का जो राष्ट्रीय खाना है वो चिकन करी है, बताइए, इनका अपने खाने को पूछता ही नहीं। तो इसी तरह से मुझे लगता है कल को अमेरिका में होगा, उन्होंने तो घोषित कर दिया, जो कांग्रेस में जो कमला हैरिस और 5 भारतीय मूल के सांसद हैं, समोसा कॉकस उसको कह दिया, तो समोसा कॉकस बनेगा, उसके बाद डोसा कॉकस बनेगा। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये ब्रांडिंग का हिस्सा है, मुझे लगता है एक अच्छी शैली है, इस करना चाहिए। इसमें आलोचना की क्या बात है, मुझे कुछ आलोचना की बात इसमें नजर नहीं आती। लेकिन देखिए सईद जी, मुझे लगता है कि खाने का जिक्र तो हो गया, पहनावे पर भी आना चाहिए। हो सकता है कि बहुत जल्द ऐसा देखिए कि किसी विदेशी मेहमान या कोई राष्ट्राध्यक्ष से प्रधानमंत्री मिले और प्रधानमंत्री भी नेहरू जैकेट पहनते हुए मिले और वो जो उनका अंदाज, जो जैकेट वो पहनते हैं, उस सदरी में सामने वाले विदेश का जो मेहमान है वो भी नजर आए, क्यों नहीं, बिल्कुल। लेकिन हम बहुत देर से विनय जी ये समझना चाह रहे हैं कि चाइना कहाँ है और सॉफ्ट पावर, और जी जी, हम इस दौरे से, इस टूर से चाइना को क्या संदेश दे पाए हैं। और कहीं आपको बहुत ईमानदारी से विनस जी, अमेरिका का इस सारे एटीट्यूड में कोई स्वार्थीपन तो नजर नहीं आ रहा? स्वार्थीपन देखिए, मुझे लगता है स्वार्थ तो होगा ही, क्योंकि भारत का भला क्यों चाहेगा, वो अपना भला चाहेगा। स्वार्थ तो सबका होता है, स्वार्थ तो हमारा भी है। स्वार्थ बोल लीजिए या इंटरेस्ट बोल लीजिए या फोकस बोल लीजिए या ऑब्जेक्टिव्स बोल लीजिए, तो स्वार्थ जो होता है वो बहुत एक्सप्लॉयटेटिव होता है। तो हम, मेरे को नहीं लगता हम स्वार्थ बोल सकते हैं, पर ऑब्जेक्टिव्स हैं, गोल्स हैं, अमेरिका के अपने ऑब्जेक्टिव गोल्स हैं, अपनी पॉलिसीज हैं, हमारी अपनी हैं, वो कन्वर्ज कर रही हैं, तो हम आज एक साथ इकट्ठे बैठे हुए हैं। जहाँ तक आप चाइना की बात कर रहे हैं जी, तो ऑब्वियसली चाइना ये सारी बात को देख रहा होगा, पढ़ रहा होगा, समझने की कोशिश कर रहा होगा जी।
बिल्कुल। और इस बीच देखिए, क्योंकि हम बार बार ये जिक्र कर रहे हैं कि आज तक पर आप नॉन स्टॉप कवरेज देख रहे हैं, यानी बिना ब्रेक से जो एक सिलसिला हमने शुरू किया है 11 बजे से, वो सिलसिला अब रात भर चलेगा। सुबह 6 बजे, 6:30 बजे तक लगातार हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। आप देखिए कार्यक्रम आगे क्या क्या है, उस पर भी हम जरा नजर डालें। आपसे थोड़ी देर के बाद प्रवासी भारतीयों को प्रधानमंत्री संबोधित करने वाले हैं। और जल्दी से मैं चाहूंगी एक बार वो ग्राफिक्स भी दिखाइए कि कहां कहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक संबोधित किया है, कितनी बार संबोधित किया है और क्या उत्साह रहा है। ये जल्दी से तस्वीर हम दिखाते हैं 23 मई 2023 का, 26 जून जब वो म्यूनिख जर्मनी में थे, पहली तस्वीर सिडनी ऑस्ट्रेलिया की है, 11 फरवरी को ओपरा हाउस में वो मौजूद थे, 8 जुलाई 2016 को जोहानिसबर्ग दक्षिण अफ्रीका में थे, उसके बाद इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में। ये सिलसिला थमा नहीं, और एक और सिलसिला अगर थमा नहीं तो वो सिलसिला है गर्मजोशी का, वो सिलसिला है जोश का, वो सिलसिला है लोकप्रियता का। प्रधानमंत्री जहां पर भी पहुंचे हैं, प्रवासी भारतीय कुछ इसी अंदाज में उनसे मिलते नजर आए हैं, तालियों की गड़गड़ाहट से वो पूरा ऑडिटोरियम, जहां पर भी प्रधानमंत्री ने भाषण दिया है, अपनी बात रखी है, वो गूंजता नजर आया है। और यही कुछ लोकप्रियता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो हर बार देखी गई है, और कुछ आज अलग तस्वीर भी देखने की उम्मीद हम जता रहे हैं। थोड़ी देर में प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। आज तक पर हर एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, ग्राउंड पर तीन तीन सहयोगी और स्टूडियो से लगाकर यूएस तक मेहमानों का पूरा सिलसिला भी हमारा बना हुआ है। बोइंग के सीईओ का भी बयान इस दौरे पर आ गया है। ये वही है भारत के विकास के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जुनून दिखता है। तो ये दुनिया की दिग्गज कंपनीज के सीईओ हैं जिनसे मुलाकात हुई है। विमानन एयरोस्पेस में भी भारत तरक्की कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशेष रुचि है और ये बोइंग के सीईओ का बयान आया। तो ये बयानों का दौर भी हम लगातार देख रहे हैं प्रधानमंत्री को लेकर। अभी अब से थोड़ी देर पहले ही हमने ये तस्वीरें दिखाई थी जब उनसे उनकी मुलाकात हुई थी प्रधानमंत्री की, और भारत के विकास के प्रति प्रधानमंत्री का जो जुनून है वो दिखता है। और यहां पर जुनून, मुझे ऐसा लगता है शिवकांत जी, ये जो जुनून है, ये जुनून सिर्फ इस चीज को लेकर नहीं, सिर्फ भारत के विकास की आप बात नहीं करते, विकास के साथ साथ आप परंपराओं को कैसे आगे ले जाइए, जुनून उसका भी रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाहे खादी का इस्तेमाल हो, योग दिवस को बढ़ावा देना हो, या मोटे अनाज की बात हो, हर एक चीज भारत की परंपराएं, भारत की चीजें किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय पटल पर पहुंच पाए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी पहचान बन पाए, जिसकी आप पैकेजिंग की बात कर रहे थे, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। जब तक भारत की संस्कृति आप नहीं समझेंगे, नहीं देखेंगे, तो कैसे जान पाएंगे। और इसका प्रयास भी प्रधानमंत्री का रहता है। को वर्तमान से जोड़ना उन्हें आता है। जब वो कोई भी मतलब वाक्य अगर उनको बोलने के लिए कहिए तो एक मिनट भी अगर वो बोलेंगे तो कोई न कोई पुराना किसी पुराण का या वेद का या किसी पुराने ग्रंथ का कोई एक उद्धरण देंगे और फिर उसको जो वर्तमान जो रियलिटी है उसमें फिट करने की कोशिश करेंगे या भविष्य के साथ उसको जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो ये है कि अपनी जड़ों से, अपनी विरासत के प्रति जो गौरव है वो उनके अंदर है, और उस गौरव को वो वर्तमान के गौरव से जोड़ के देखते हैं, जो लोगों को सुनने में अच्छा लगता है। पिछले कुछ दिनों में ये केवल उनकी शख्सियत की लोकप्रियता नहीं है, भारत के प्रति जो भारत से बाहर रहने वाले लोग हैं, जैसे जैसे उनका आर्थिक विकास समृद्धि हुई है तो उनका अपने जड़ों के प्रति स्नेह बढ़ा है, प्रेम बढ़ा है, तो भारतीयता की उनमें अपनी अस्मिता जागी है, तो इसका इसमें उसका भी पुट है। तो दोनों चीजें मिल गई हैं, इसलिए उन्होंने मतलब एक ऐसा मंच, एक ऐसी परंपरा कायम कर दी है कि मोदी जी के बाद जो भी प्रधानमंत्री होगा वो अगर आएगा तो उसके प्रति ऐसा जुनून नहीं तो जुनून तो जरूर रहेगा। तो कम से कम ये उन्होंने शुरुआत की है जो मुझे लगता है अच्छी है, और ये भारत की ब्रांडिंग में ये बहुत ही फायदेमंद है, और इसका वैसे आप हिसाब नहीं लगा सकते लेकिन इसका फायदा होता है, इसका इससे देश की छवि बनती है, इससे देश का ब्रांड बनता है, देश के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ता है, और विश्वास ही सब कुछ है। जब निवेश का मामला हो या किसी भी चीज का मामला हो, आदमी पहले विश्वास जगाता है मन में और उसके बाद आगे बढ़ता है। जी।